देखिए दोस्तों, ये जल रहा है पूरी तरह से। इसको जलाना है, उसको जलाने के बाद इसको भी जलाना है, लेकिन पहले इसको जलाने के हमें यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बस हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक होंगे। दोस्तों आज कैसा लग रहा हूँ पहले तो ये बात कीजिए, क्योंकि कभी मैंने मूछ नहीं निकलवाई थी, दाढ़ी बहुत कम करवाता हूँ, लेकिन एक चलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने खेत में और हमारे खेत में हमने प्याज निकलवा दिया है और प्याज का तो रेट कुछ भी आया नहीं। उसका ब्लॉक भी मैं लेके आया हूँ, लेकिन उसका कुछ रेट नहीं आया। बहुत बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, प्याज का रेट नहीं आने के कारण हम बहुत तकलीफ में आ चुके। और दोस्तों अभी हमारे खेत में प्याज निकालने के बाद हम तल लगाने वाले हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो मैं दिखाता हूँ किस तरह से हमारी तैयारी चल रही है। देखिए दोस्तों, हमने पूरा प्याज निकलवा दिया है और प्याज निकल कर मार्केटिंग रेट पे भी छोड़ाए है, और यहाँ हमने ये गन्ना करके रखा है और गन्ना का खेत भी खाली हो चुका है। और गन्ना का खेत और ये प्याज का खेत दोनों में हमें तल करना है जो उसका। देखिए भैया, दोस्तों मेरे पीछे मेरा भैया ट्रैक्टर चला रहे हैं और हमें ये पतवार पत्ती जलानी है। जलाने के लिए मैं ये माचिस लेके आया हूँ और वो खपाड़ी भी लेके आया हूँ, और सब सही तरह के करके थोड़ी पवन शांत होने के बाद हम करने वाले हैं, जलाने वाले हैं। तो चलो जलाते हैं पहले तो इसको, और देखिए भैया किस तरह से ट्रैक्टर चला रहा है, खेत की जुताई में कर रहा है अभी तो जुताई करने के बाद तल लगाने वाले हैं। देखिए देखिए दोस्तों, हमने ट्रैक्टर रख दिया है और ये पत्ते को जलानी है। तो ट्रैक्टर इसलिए रखा कि पवन ज़्यादा है, तो ज़्यादा पवन के कारण आग काबू से बाहर ना हो जाए, इसलिए। तो चलो अब जलाते हैं। अगोरे जी जल्दी जल्दी ले लो ट्रैक्टर। देखिए दोस्तों, ये आग हमने लगा दी। देखिए दोस्तों, हमने दोनों को जला दिया है और अब जा रहे हैं उस तीसरे ढगले के बाद। वहाँ है वो, वहाँ तीसरे ढगले के पास जाने वाले और उसको भी जलाना है। इस दोनों को जला दिया है और भैया भी इधर खड़ा है ट्रैक्टर लेकर, तो वो थोड़ा बदतमीजी कर रहा है हमारे साथ। वो बोलता है कि उसको दोनों को मिक्स कर दो जलते हुए ढगले को, और मैंने बोला कि ट्रैक्टर जल जाएगा, उसमें तेल आता है, डीजल आता है, होता है, तेरा पूरा खत्म हो जाएगा। चलो चलते हैं वहां। अन्दे, बस 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 देखिए नीचे की तरफ अभी तालपत है और ऊपर जल रही है, तो हम ऊपर नीचे कर रहे हैं ट्रैक्टर से, लेकर को कुछ ना हो जाए, क्योंकि ट्रैक्टर में तेल आता है, चारों तरफ तेल छिपका हुआ रहता है, तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है हमें। देखिए दोस्तों, ऊपर जला था हमने ट्रैक्टर पीछे लिया, तो नीचे की तरफ से बिना जला हुआ निकला। देखिए, इसलिए हमने ट्रैक्टर को यहाँ बुला कर लाकर आगे पीछे के ऊपर नीचे कर दिया, ताकि पूरी तरह से वो जल जाए। ये उसको भी कर रहा है, ओ जल्दी जल जाए, यहाँ मोल पे जाम लाए, वो एकदम से वहां से वो पवन आ रहे थे और भैया ने गलत जगह से ट्रैक्टर को घुसाया। करना चाहिए, लेकिन क्या करे, करना पड़ता है कभी कभी। देखिए वो धुआ कहाँ तक जा रहा है, पूरा खेत में धुआ ही धुआ है।
हम पास नहीं जा सकते, हमने ट्राई किया लेकिन बहुत जलन होती है, आग की झपेट में आ जाते हैं तो पूरा मुंह और हाथ सभी जगह बहुत ताप लग रहा है, तो ट्रैक्टर से ही काम चलाना पड़ेगा। देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी काम निपटाना पड़ता है किस तरह से हमें। देखिए दोस्तों मेरे पीछे भैया खड़ा है और ये ताप जल रही है और हमारा काम चल रहा है, कि हमें ताल पर जलानी चाहिए, जला दिया है अभी और अब तीसरा ढगला बाकी है तो वहाँ पे ताल पर जलाने के लिए जा रही है। और कितनी धुम्मस, इतना पवन से जोर जोर से चल रहा है कि बहुत प्रॉब्लम, बात करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये भैया बार बार उसको आगे पीछे कर रहा है ताकि पूरा जल जाए, अच्छी तरह से जली जाए। थोड़ी देर हम रहने देते तो जल जाता पूरा, लेकिन अभी हमें जल्दी से काम निपटाना है, जल्दी से जुताई करनी है ताकि हम जल्द से जल्द तल कर सके। तो चलो जल्दी में है तो चलते हैं तीसरी जगह पर। देखिए दोस्तों ये टाटर है पूरा, जो यहाँ 6 फेज व 3 फेज व लाइट भी आती है, लेकिन अभी वो टूटे हुए है फ्यूज पूरी तरह से। और ये हमारा टाटर है जो अच्छी तरह से काम कर रहा है अभी, और ये हमारा बोर है जो रात को लाइट आती है तो हम चलाते हैं। देखो यहाँ पे ये बोर है पूरा, देखिए, और यहाँ से पानी जाता है हमारे टांके पर। खेत वैसे तो बड़ा है लेकिन छोटे छोटे उसमें 3 और 4 टुकड़े भी है, तो अलग अलग टुकड़े पर 2 बोरे हैं हमारे और 2 कुएं हैं और एक बड़ा टांका है जहाँ से हम खेत में पानी, पूरे खेत में सभी पानी एक जगह पे एक होता है टांके पर और टांके से पूरे खेत में पानी जाता है। तो चलो चलते हैं आगे के काम पर। देखिए दोस्तों ये पीछे हमारे अभी जल रहा है और हम ट्रैक्टर चलाने के लिए रेडी हो चुके हैं, जो बाइक आ चुका है हमारे साथ, तो चलो अब चलाते हैं ट्रैक्टर। क्या है ये? देखो ध्रुव भैया भी आ चुका है और फिर से हमारा काम ये स्टार्ट होने वाला है, जुताई कर रहे हैं ट्रैक्टर के साथ, जोड़ रहे हैं अभी दाती को। ध्रुव भैया भी हमारे साथ खेल रहे हैं, उसकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ गई थी, रात को बुखार आ गया था, उल्टी हो रही थी और उसको जाड़ा भी हो चुका था और सुबह लेकर गए थे उसको अस्पताल, अभी तबीयत ठीक है और आ चुका है हमारे साथ खेत में खेलने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ हमने कर रखा है जुगाड़, देखो ये केबल है वो जमीन पे पड़ा हुआ है, लेकिन अभी हमें ट्रैक्टर चलाना है। ये हमारे पीछे रहा ट्रैक्टर, देखिए ट्रैक्टर चलाना है, इसमें जुताई करनी है, तो हमने ये 2 बम्बू ले लिए वाच और वाच को ऊपर उठाया और ऊपर उठाने के बाद इसको वायर को भी ऊपर उठा लिया। देखिए इस तरह से उसको ऊपर उठा दिया और अभी आगे भी उसको उठाना है, तो चलो उठा लेते हैं और किस तरह से उठाते हैं आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों हमने दोनों जगह पर ये जुगाड़ कर दिया है, तो ट्रैक्टर आ जा सकता है ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता होता। देखिए यहाँ पे दोनों बांस लगा दिया है और यहाँ भी दोनों बांस लगा दिया है और तो बीच में से ये केबल ऊपर हो चुका है और हमारा ट्रैक्टर अब आसानी से आ जा सकता है। और ध्रुव भाई भी हमारे साथ वो देखने के लिए आया है कि पापा खेत में क्या कर रहा था, सासा क्या कर रहे हैं। देखिए ट्रैक्टर आसानी से ऊपर से
नीचे से चला जाएगा और ऊपर रह जाएगा केबल, और कोई प्रॉब्लम नहीं, नो टेंशन। देखिए तो इस तरह से दोस्तों कभी कभी दिमाग से काम लेना पड़ता है, वरना क्या है यहाँ कि यहाँ भी उसको केबल काटना पड़ता और यहाँ भी केबल काटना पड़ता, या दोनों में से एक जगह से केबल काटना पड़ता। लेकिन एक केबल भी काटना ज़रूरी नहीं है, और हमने ये दिमाग लगाकर दोनों तरफ से केबल को ऊपर उठा दिया। ध्रुव भाई बोल चुका है क्या है उसको, ध्रुव भाई वो प्यास लगी है, और ये ननु दीदी आ चुकी है, हेतु दीदी भी आई है। हाँ ओके, तो चलो दोस्तों चलते हैं हमारे पानी पीने के लिए अपनी झोपड़ी पर। ये देखिए ननु दीदी का हो चुका है झगड़ा। ओ इधर से मत चलो, वहां चल जाओगे, अभी जलाया हमने, इधर अभी जलाया है, वहां मत चलो, जो जल जाओगे आप। ध्रुव भाई बोल दो जल जाओगे। अच्छा दोनों दीदी निकल गई। ननु वो हमारे साथ गुस्से है, गुस्से में है क्योंकि हमने बोला कि आपने कुछ पैर में पहना नहीं तो जल जाओगे, तो गुस्सा करके जा रही है। वो हमारे सामने तो देखो, ओ दीदी, ओ दीदी, ओ छोटी दीदी, वो नहीं देखेगी, चली गई दोनों। दूल्हा ने ध्रुव ने ले आया तुम्हें, ध्रुव कहाँ लेके जाओगे आप? तू सामने क्यों नहीं देख रही थी मेरे? क्या किया था? नहीं देख रही थी मेरे सामने तो जल जाओगे, तो मैं क्या गलत बोला था? गलत ही बोला था ना? कुछ गलत नहीं बोला था, मैं तो सही बोला था। कुछ नहीं जलाया तुमने, आलू की तो जलोगी ना, सलोगी तो जलोगी, उस तरफ भी है। चलो चलते हैं, चलो ध्रुव भाई को ले लो। ध्रुव भाई जा रहा है पानी पीने के लिए, तो चलो हम भी चलते हैं पानी पीने के लिए। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे हम खत्म करते हैं, पूरा करते हैं आज का ब्लॉग। तो बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय दोस्तों। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज एक किसी की चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और बाय बाय, और जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आपके सपोर्ट के बिना हमारा चैनल आगे नहीं जा सकता। तो प्लीज़ एक किसान के चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करके पूरा सपोर्ट करना दोस्तों। तो चलो चलते हैं, जय हिंद, जय किसान, जय स्वामीनारायण।